कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में अनावश्यक रूप से टू व्हीलर पर घूमने वालों को रोककर कोरोना वायरस से बचाव संबंधित वीडियो दिखाया गया। कोर्ट रोड पर पुलिस कर्मी दोपहर तक अनावश्यक रूप से घूमने वाले 60 से अधिक लोगों को पकड़ा, उन्हें मीडिया सेंटर में भेजा गया। मीडिया सेंटर में राजेश कुमार दास ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधित 15 मिनट का वीडियो दिखाया और भविष्य में ऐसी गलती को नहीं दोहराने की हिदायत दी। ये सब अपने आप में एक महामारी थी, उसी तरह से आज के टाइम की महामारी ये कोरोना वायरस डिजीज है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये कोरोना वायरस के बारे में, इसमें कुछ सही है और कुछ गलत। इस सही गलत के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे और बिजनेस पे काफी असर पड़ा है। लोगों में बहुत डर का माहौल बना हुआ है, लोगों को लगने लगा है कि अगर उनको ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनका मरना पक्का है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात। ऐसे सिचुएशन में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने सही इन्फॉर्मेशन दूं और गलत बातों से आपको कैसे हो। अगर आपको आपको मास्क के बारे में दो तीन दिन किए ये आदत मुझे बंद करना होगा। अपने हाथ को मुंह पे मत लगाइए, खांसी हाथ से करने इस संबंध में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसी व्यवस्था जिले के अन्य थाना क्षेत्र में भी की जाएगी, जिससे लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकले और लॉकडाउन का पालन करें। देखिए, यहाँ पर लाने का उद्देश्य यह है कि जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं सड़कों पर, खासतौर पर जो अकारण जो लोग निकल रहे हैं, जिनका कोई विशेष कारण नहीं है लेकिन इसके बावजूद सड़क पर हैं, तो उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो तो की ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा उन लोगों को कोविड के संदर्भ में जागरूकता भी उनके अंदर आए, जिससे न केवल वो जागरूक बने बल्कि जाकर के अपने घर परिवार में भी इस चीज को बताएं, फोन के मार्फत से अपने परिचितों को भी बताएं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड के बारे में हम सभी जानते हैं कि जानकारी में ही बचाव है और जितना सोशल डिस्टेंसिंग हम करेंगे उतने में ही बचाव है। तो लगातार प्रशासन अपने तरफ से हर तरीके से प्रयास कर रहा है, चाहे वो इस तरीके से वीडियो दिखाने की बात हो, चाहे कानूनी कार्रवाई करने की बात हो, चाहे लगातार लोगों को रोक टोक करने की बात हो, चाहे लोगों को लगातार अवेयर करने की बात हो। एक कंटिन्यूअस एक कोशिश है कि हम लोगों को जागरूक करें कि लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, अपने घरों में रहें। जब तक लॉकडाउन है तब तक घर से निकलना भूल जाएं, जब तक कि कोई अत्यावश्यक कार्य ना हो, और अगर आप काम पे निकल भी रहे हैं तो अकेले निकलें और काम पूरा करके जल्द से जल्द वापस लौटें। खास तौर पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा यहां पर कि अगर आप कुछ सामान लेने के लिए निकल रहे हैं, सब्जी भाजी फल या मेडिसिन स्टोर या ग्रोसरी स्टोर राशन की दुकान पर जा रहे हैं, तो उसमें वाहन का प्रयोग ना करें, क्योंकि कोई भी दुकान, कोई भी लोकैलिटी, खास करके शहरी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो सारी दुकानें आसपास में ही है, कोई भी इतना डिस्टेंस नहीं है जिसके लिए आपको गाड़ी की